तो चार्मी अभी देखो रेडी हो चुकी है कोट बोट पहन के, और हम लोग जा रहे हैं, ये क्लिफ वॉक है वहाँ पर, और वहाँ पर खिंचवाएंगे फोटो मोटो, और यहाँ से नीचे वाला भी व्यू दिखाएंगे कि कैसा व्यू है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, तो आप लोगों को भाई बहुत ही मज़ा आएगा इसमें। हमें ये सब फोटो क्लिक करने हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट्यूम मिलता है, आप लोग क्लिक कर सकते हो, देखते हैं। चलो, यहाँ पे एक हॉल जैसा है, अगर आपको बैठना है और ये अंकल आंटी को फोटो खींचना है तो वो लोग फोटो खींच रहे हैं। यहाँ से देखो आकाश को अभी है ना स्लाइडिंग करने की है, तो देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है, और एक्साइटेड होते हुए देखो कैसे भाग रहा है और नाच रहा है, देखो ये। रेडी 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 गो। एंजॉय यही कर रहा है। क्यों आयो? मतलब बस हो, मजा आई पर हाँ भाई, इसने स्लाइड तो की है पर वो आइस भी उसके चड्डे का कलर कर दिया है, देखो पूरा ब्लू कर दिया। नहीं रुक, कहाँ से आते हैं? पूरा आइस का कलर चेंज कर दिया है इसने। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अब हम लोग नीचे आ गए हैं और मेरे को थोड़ा जुकाम जैसा हो गया है क्योंकि वहां पे थोड़ी ठंड थी। तो अब हम लोग जाएंगे अपना लंच करने के लिए, तो चलो दिखाते हैं कि हमने लंच में क्या किया है, क्योंकि हर बार क्या होता है दो दिन से इतनी भूख लगती थी ना कि हम लोग सीधे प्लेट ही ले लेते, आपको दिखाया नहीं कि हमारे लंच में क्या होता था। पर लंच डिनर ब्रेकफास्ट नहीं अच्छा लगता था क्योंकि ब्रेड वगैरह होती है, पर लंच और डिनर तो इतना बढ़िया रहता है हमारा, प्रॉपर इंडियन फूड, फुल वेजिटेरियन, तो हम लोगों को बहुत मजा आता है। और यहाँ पे आओ तो आइस फ्लायर जरूर ही ट्राई करना, क्योंकि उसमें जो मजा आएगा ना वो भाई बहुत ही अलग फीलिंग होगी। इतनी स्पेस जरूर आना, इट वाज अ नाइस प्लेस। यस, ये देखो हमारा टाइमिंग इतना अच्छा था ना कि हम लोग जब ऊपर गए तब वेदर इतना ब्यूटीफुल था, और अब हम नीचे आए तो बारिश शुरू हो गई है और वेदर भी काफ़ी ऊपर ख़राब हो गया है। तो आप लोग इधर आए तो वेदर ज़रूर चेक करके आना, क्योंकि इधर ये जो ऊपर हमें गाइड वगैरह मिले थे वो बोल रहे थे कि इधर का वेदर कभी चेंज हो जाता है, तो मेक श्योर यू नीड टू चेक द वेदर एंड देन आफ्टर come here. So we have a lunch here, so let's see. Dhokla. Dhokla. Yeah. Tamar restaurant nu jamma aiva. Welcome, welcome. Avale che. જે અંકલ પાસે કે આપણા ગુજરાતી છે, યે હે હલવા ઓર યે હે સૂપ, કેસા હે ખાના? બહોત જોરદાર, એકદમ બઢિયા. The hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be, they sit there being. So
we reached at Interlaken, is the one of the state of Switzerland. So now we are going in the garden. Yeah, और यहाँ पे यश चोपड़ा का स्टेच्यू है. वो भी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई वो एक्चुअली यश चोपड़ा है, वो ये स्विट्जरलैंड का है, वो ब्रांड एम्बेसडर था. उसके लिए उन लोगों ने यहाँ पे एक स्टेच्यू बनवाया है, तो वो दिखाते हैं. बहुत ही बढ़िया सा गार्डन है यहाँ पर, और यहाँ पर है ये फार फाउंटेन. तो यहाँ पर ये क्लॉक भी मौजूद है और वो टाइम भी उतना सही है. यहाँ पर अभी 3 बजे है और उसके सामने ही यहाँ पर है ये यश चोपड़ा का स्टेच्यू, और उसके सामने है वहाँ पर कैसीनो जो कि ओपन है, तो आप लोग भी जा सकते हो जिसको खेल. तो अभी यहाँ पर हम लोग फोटो खिंचवाएंगे यश चोपड़ा के साथ और बाद में कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पर देखो भाई, एक होटल दिखा है, बहुत ही बढ़िया सा है ये होटल. आई थिंक 5 स्टार से कम तो नहीं होगा ये होटल. और उसके सामने ही है ये बहुत ही बड़ा सा मैदान, और उस पीछे लेक है. और यहाँ पर फ्लावर्स बहुत ही भारी मात्रा में है यहाँ पर सभी जगह पे. और वो चीज़ की बहुत शॉप यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप लोग ना है तो खरीद सकते हो. और रेस्टोरेंट्स भी है जो कि पीछे रह गया है, वो मैं जाऊँगा तो दिखाऊँगा. और यहाँ की ये घोड़ा गाड़ी देखो, हमारे जैसे में भी बगी होती है वैसी ही बगी यहाँ पर भी है. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. ये कुछ मार्केट जैसा है, यहाँ पे वॉच वगैरह और इसके क्लोथ्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं. यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है. तो अभी इंटरलाका हम लोगों ने घूम चुके हैं. यहाँ पर इतना सब कुछ हमको तो नहीं लगा कि भाई इतना घूमने का कुछ प्लेस है. एक लेक है, वो हम लोगों ने नहीं देखा है. लेक और गार्डन है, गार्डन है बस. और अगर आपको वो चीज़ या कुछ शॉपिंग करनी है तो स्विस की वॉच तो फेमस है ही. सो इफ यू वांट सो यू कैन बाय फ्रॉम हियर. हमने तो कुछ नहीं लिया है, बस ऐसे घूम के फोटो खिंचवा के जा रहे हैं वापस. और अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे जिनीवा, और वहाँ पे भी शाम तक घूमेंगे, देखते हैं. वहाँ पर भी कुछ लेक है, तो वहाँ पर भी लेक घूमने का है. पूरे स्विट्जरलैंड में 1000 से भी ज्यादा लेक है, तो ये पूरा स्विट्जरलैंड लेक का ही है. लेक और ग्रीनरी और स्नो, बस वही है यहाँ पर. ब्यूटी है स्विस की, यही नेचुरल ब्यूटी. नेचुरल ब्यूटी. तो मिलते हैं जिनीवा में. That's on the left is the main UN office. तो अभी हम लोग आ चुके हैं UN ऑफिस के सामने. यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, और ये पीछे आप लोग देख सकते हो कि UN की ऑफिस है, और वहाँ पे बड़े बड़े फैसले होते हैं जो कि UN नेशन के जितने भी कंट्रीज है उन लोगों के. तो उन लोगों को जो भी सपोर्ट चाहिए या फिर कुछ भी मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो ये है वो मदद करती है. जैसे कि अभी वॉर हुआ था यूक्रेन और रशिया का, तो यूएन ने उन लोगों को मदद किया था आर्मी के लिए, और जो भी फंड चाहिए उसके लिए भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे 5.5 टन की ये चेयर है, जो कि उसका हिस्ट्री ऐसा है कि भाई, और उसमें यहाँ पर एक लेग मिसिंग है. और वो लेग मिसिंग क्यों है, यहाँ पर जब वॉर हुआ था तब कई सारे आर्मी लोग हैं, उनका कुछ का पैर कट गया था, कुछ का लेग कट गया था, और कुछ ना कुछ इंजरीज बड़ी हुई थी. तो उसके लिए उन लोगों ने ऐसा एक स्टैचू बनाया है उन लोगों की याद में. तो इसका हिस्ट्री बस यही है कि भाई वॉर में वो लोग को कुछ ना कुछ इंजरीज, मेजर इंजरीज हुई थी. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do it. So abhi hum log
जिनीवा के सबसे बड़े लेक पर आ गए हैं, क्योंकि 60% वो लेक है वो जिनीवा में आता है और 40% है वो फ्रांस में आता है। तो अभी हम लोग खड़े हैं, मोन्यूमेंटल है वो आप लोगों को इधर दिख रहा होगा। तो ये मोन्यूमेंटल का है वो ये है कि भाई पहले जिनीवा और स्विट्जरलैंड दोनों अलग अलग कंट्री थे, तो बाद में क्या हुआ कि जिनीवा है वो स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हो गया। तो जब वो लोग एक हो गए तो उसकी याद में ये स्टैचू बनाया था। और यहाँ पर जायंट व्हील भी है, तो आप लोग उसका भी आनंद ले सकते हो अगर आप लोगों को जाना है तो। यहाँ लेक पास जाइए, चलो। तो अभी जिनीवा लेक देख के आ गए हैं और अभी आए हैं हम लोग फ्लोरल क्लॉक पे। तो ये फ्लोरल क्लॉक है वो 6000 फ्लावर की बनी हुई है अराउंड, और अभी हुआ है 8:05 और चार में यहाँ पर पोज लेके खड़ी है, तो फोटो शूट करवाने का है। हाँ देखो बुला रही है, तो चलो अभी पहले फोटो शूट कर लेते हैं और बाद में जाएंगे हम लोग डिनर के लिए। तो अभी हमारा जो डिनर है वो नमस्ते होटल में है और हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो इंडियन टेस्टी होगा। ये है हमारी होटल, पर किसी का रूम खुल नहीं रहा है। क्या हुआ है पता नहीं है, फिर से जाना पड़ेगा नीचे अभी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं, किसी को बुला के लाओ। कोई नहीं ले जाएगा, नीला पोपट पड़ा है, कोई नहीं ले जाएगा। पोपट वैसा का वैसा ही रहेगा, तू आएगा तब तक उसमें ताला नहीं जा रहा है। तो अभी होटल पहुंच चुके हैं और हम लोग हैं रचित के रूम में। तो जैसे ही ये रूम शुरू होता है वैसे ही खत्म हो जाता है। देख लो आप, इतना ज्यादा बड़ा रूम नहीं है, दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है हमारा रूम। जैसे दिन बढ़ता जा रहा है रूम छोटा होता जा रहा है। और आज डिनर में भी हम लोगों को इतना मजा नहीं आया, क्योंकि इतना कुछ खाने का ऐसा कुछ था नहीं जो हम लोगों को पसंद आए। राइस और सब्जी, राइस और टमाटर था, टमाटर था, टमाटर मॉर्निंग में, टमाटर लंच में, टमाटर छोटा वाला टमाटर देते लंच में, मॉर्निंग में चेरी टमाटर्स होते या लंच में स्लाइस, और फिर ये जब डिनर करने हो तब तो फिर फिनिश, वो ऐसे जैसे काट के पूरा दे देते, जो भी हो दे देते। ऐसा लगा मेरा मजाक। टमाटर टमाटर मिलेगा नहीं, कुकुम्बर भी होता है। टमाटर और कुकुम्बर यूरोप में आपको खाना मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आओ। टमाटर खाना है तो इधर आओ, तीनों टाइम टमाटर ही खा रहे हम लोग। तो कल हम लोग जाने वाले हैं पेरिस, तो यहाँ से सुबह निकलेंगे और शाम को या इवनिंग में पहुंचेंगे वहां पर, और बाद में जाएंगे एफिल टावर। तो पहुंचेगा स्टे विथ अस एंड कनेक्ट विथ अस। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय माता जी।